हेलो स्टूडेंट्स, कल अपन ने यहाँ पे इमेज बनाना सीखा था स्फेरिकल मिरर के द्वारा। तो उससे आगे अपन सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो है रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। आर का मतलब यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर और स्मॉल एफ का मतलब यहाँ पे फोकल लेंथ, जो आपको कल बताया था। तो यहाँ पे अपन देखिए ड्राइव करते हैं रिलेशन। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक मिरर ले लिया है। मान लीजिए ये मिरर है, कॉन्केव मिरर लिया है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और ये मान लीजिए इसका पोल हो गया है, ये इसका फोकस पॉइंट हो गया है, ठीक है ना, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया है। मान लीजिए कोई रे यहां से पैरेलल इंसिडेंट होती है तो आपको पता है कहां से होकर जाएगी, फोकस पॉइंट से होकर जाएगी, ठीक है। आपको एक बात और बता देता हूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ओ पॉइंट के ऊपर ये इंसिडेंट हुई है, तो जहां पे इंसिडेंट है स्फेरिकल मिरर के लिए हमेशा रूल लागू होगा, जहां पे इंसिडेंट होती है वहां पे कितने एंगल से इंसिडेंट हुई है, वो मतलब कितने एंगल से आपकी, तो उसके लिए अपने को क्या करना होता है, नॉर्मल ड्रॉ करना होता है, विलन खींचना होता है। तो याद रखना स्फेरिकल मिरर में हमेशा नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ किया जाता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे कहाँ पे है, सी पे। तो यहां से अपन यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है इस प्रकार से, ठीक है। अब आपसे पूछूं इंसिडेंट एंगल कौन सा है, तो इंसिडेंट रे ये है, तो नॉर्मल से एंगल ये कौन सा होगा, ये वाला होगा, मान लीजिए थीटा का एंगल है, ठीक है। और रिफ्लेक्शन एंगल कौन सा होगा, यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे है ये बनाएगी नॉर्मल से, ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया है, ठीक है। और आपको बताया था फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, तो ये थीटा है तो ये भी कितने का, थीटा का हो गया। अब देखिए ये थीटा एंगल है तो यहाँ पे सी पे कितने का एंगल बनेगा, थीटा का एंगल ही बनेगा, अल्टरनेट एंगल। जैसे इस प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार से ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया है, तो ये भी थीटा। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे ये पूरा एंगल कितने का है, टू थीटा का, तो ये पूरा एंगल कितने का हुआ, यहाँ पे टू थीटा का हो गया। यहां से अपन एक परपेंडिकुलर डाल देंगे जो कि बिल्कुल पी के पास में, क्योंकि ये जो कर्वेचर होता है ना ये बहुत ही कम होता है, तो ये जो आप परपेंडिकुलर डालोगे तो पी पॉइंट के बिल्कुल पास में ही आएगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, इसलिए हम इसको पी पॉइंट पर ही मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे एक दो ट्रायंगल लेंगे, फर्स्ट ट्रायंगल बाय ट्रायंगल, यहाँ पे बाय ट्रायंगल ओ सी पी, राइट एंगल ट्रायंगल लेनी है ओ सी पी, ठीक है। यहां से अपन टेन निकालेंगे, तो टेन निकालेंगे तो ओ सी पी में एंगल कितने का है, थीटा का, तो क्या आएगा टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर कोण में बेस। परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे पी ओ, याद रखना कि यहाँ पे पहले पी लिखा, कोई भी डिस्टेंस हमेशा कहां से मेजर करते हैं, पोल से, तो क्या गया पी ओ अपोन में क्या आ जाएगा पी सी, ठीक है। अपन यहां पे ले लेते हैं वेन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, अगर थीटा की वैल्यू बहुत कम होती है तो टेन थीटा किसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा के होगा, इसलिए थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया पी ओ अपॉन में पी सी, इक्वेशन नंबर क्या आ गई है, फर्स्ट आ गई है। अब देखिए यहां पे दूसरी ट्रायंगल मान लीजिए मैंने यहां पे ले ली है बाय ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल कौन सी ली है, यहां पे ओ एफ पी ले ली है, ओ एफ पी, यहां से भी टेन निकालेंगे परंतु यहां पे एंगल कितने का है, टू थीटा का है, तो क्या आ जाएगा टेन टू थीटा इज इक्वल टू वो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर यहां पे क्या है पी ओ वही है, अपॉन में पी एफ, अपॉन में पी एफ, वही कंडीशन दोबारा ले लेंगे, वेन टू थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, दोबारा वही बात लिख देंगे, पहले वाले में टू थीटा लिखा था, अब टू थीटा लिख देंगे, इज वेरी वेरी स्मॉल, तो क्या आ जाएगा आपके पास यहां पे टेन टू थीटा अप्रोक्सीमेटली टू थीटा, ठीक है। इसलिए टू थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास पी ओ अपॉन में पी एफ आ गया, इक्वेशन नंबर क्या आ गई आपके पास टू आ गई है। अब हम देखिए इक्वेशन फर्स्ट में थीटा की वैल्यू तो यहां पे पुट कर सकते हैं, तो यहां पे क्या लिख देंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या आ जाएगा टू इन टू में क्या है थीटा की वैल्यू पी ओ अपॉन में पी सी इज इक्वल टू पी ओ अपॉन में पी एफ, पी ओ से पी ओ कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या आ गया टू अपॉन में पी सी और वन अपॉन में पी एफ। अब देखिए यहां पे आपको पता है
हेयर, हेयर पी पी सी मतलब पी से सी, पी से सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर की वैल्यू कितनी होती है आपको बता रखा है, कितनी बता रखी है आपको किसी नोट करते हैं आर से, और पी एफ की जरूरत पड़ेगी, पी एफ फोकल लेंथ होगी तो इसको हम किसे लिखते हैं स्मॉल एफ से लिखते हैं, ठीक है। तो अब आपको वो पॉजिटिव नेगेटिव साइन कन्वेंशन में बताया था कि पोल से लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव और राइट हैंड साइड पॉजिटिव, तो आप यहाँ पे पी सी की वैल्यू लिखना चाहोगे तो पी सी आर है लेफ्ट साइड में तो क्या आ जाएगा नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा माइनस आर, और पी एफ कितना हो जाएगा आपके पास पी एफ, पी एफ स्मॉल एफ है मतलब फोकल लेंथ है लेफ्ट हैंड साइड में है तो माइनस एफ, तो इसलिए क्या आ जाएगा टू अपॉन में पी सी, पी सी की वैल्यू कितनी है माइनस आर इज इक्वल टू वन अपॉन में पी एफ माइनस एफ, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो क्या आ गया टू अपॉन में आर और वन अपॉन में एफ, तो एफ इज इक्वल टू क्या आ गया आर बाई टू या फिर आर इज इक्वल टू टू एफ यू कह दीजिए, तो ये आपके पास रिलेशन आ गया। आर क्या है यहाँ पे, आर क्या है यहाँ पे और एफ क्या है यहाँ पे आपको पता है, आर क्या है यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना वक्रता त्रिज्या, क्या यहाँ पे फोकल लेंथ, तो इस प्रकार से हमने ये रिलेशन ड्राइव कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे वैसे कॉनकेव मिरर लिया है, कई बार मान लीजिए एग्जाम में आ जाता कि कॉन्वेक्स मिरर से ड्राइव करिए तो आपको क्या करना होगा, सिर्फ डायग्राम में चेंज आएगा, डेरिवेशन सेम रहेगा, तो देखिए डेरिवेशन में क्या डायग्राम में क्या चेंज आएगा। अब की बार अपन यहाँ पे क्या ले लेते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर ले लेते हैं, अगर को एग्जाम में आ जाता कि कॉन्वेक्स मिरर से बताइए तो अब की बार अंदर की साइड से पोलिस होगा, बताया था आपको, और इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया है, ये पोल हो गया है, ये आपका एफ हो गया है और ये आपका सी हो गया है, भूल वही अगर मान लीजिए आपकी पैरेलल ले आती है तो कहां से होकर जाएगी फोकस से होकर जाएगी, होकर यहां से कॉन्वेक्स में आपको यहां जाएगी नहीं जाती हुई नजर आएगी, ठीक है इस प्रकार से, ठीक है वही बात ओ पॉइंट पे इंसिडेंट हो गई है, कितने एंगल से इंसिडेंट हुई है कितने एंगल से रिफ्लेक्ट हुई, उसके लिए क्या करना पड़ेगा नॉर्मल, नॉर्मल कहां से ड्रॉ करेंगे अभी बताया था सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप यहां से नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए, तो यहां से नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ पे नॉर्मल से मान लीजिए एंगल थीटा का है तो वही बात, ये भी एंगल कितने का थीटा का, ये थीटा का है तो ये भी कितने का थीटा का, वही बात ये पूरा टू थीटा का तो ये भी कितने का पूरा टू थीटा का, उसी प्रकार से यहां से भी आप क्या कर दीजिए ये परपेंडिकुलर डाल दीजिए, तो ये डायग्राम में चेंज आएगा, बस इसकी जगह ये बना दोगे अगर कॉन्वेक्स आता है तो बाकी सब क्या रहेगा सेम रहेगा, बस लास्ट में जो फर्क आएगा वो क्या आएगा कि वहां पे आपने पीसी की वैल्यू क्या ली थी नेगेटिव ली थी, यहाँ पे डायरेक्ट ही क्या आ जाएगी पॉजिटिव, पहले से ही क्या आ जाएगी पॉजिटिव आ जाएगी, भी यहां से पॉजिटिव राइट साइड में है ये भी पॉजिटिव राइट साइड में, तो यहाँ पे आपको ये करने की जरूरत नहीं है सीधे, तो आंसर वही आना है, ठीक है बस जो डिफरेंस आएगा वो डायग्राम में और यहाँ पे जो वैल्यू ली थी उसमें डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको रिलेशन करना है, इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा यहां पे उसका नाम रहेगा मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र, ठीक है मिरर फॉर्मूले को क्या बोलते हैं दर्पण सूत्र बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपको बस तो याद ही होगा टेंथ क्लास में हमने पढ़ा था कि वन अपॉन में वी प्लस में वन अपॉन में यू इज इक्वल टू वन अपॉन में एफ, तो आप यहाँ पे डेफिनेशन एक्चुअली आप देख रहे हो यू के जो आप इसे चैप्टर के अंदर आप पढ़ोगे जब भी यूज करोगे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है ना ऑब्जेक्ट कहां से पोल से उसको ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु की जो डिस्टेंस होती है पोल से उसको हमेशा यू से, और जो इमेज होती है उसको किससे लिखेंगे हम यहाँ पे वी से लिखेंगे, ठीक है ना, और फोकल लेंथ को आपको पता ही अभी बताया था फोकल लेंथ को किससे लिखेंगे एफ से लिखेंगे, तो इन तीनों के बीच में जो रिलेशन होता है ना उस रिलेशन को ही अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं मिरर फॉर्मूला बोलते हैं, तो अपन लिख सकते हैं द रिलेशन बिटवीन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज एंड फोकल लेंथ फ्रॉम
पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। मतलब यहाँ पे क्या है, ध्रुव से वस्तु प्रतिबिंब और फोकस दूरी के मध्य संबंध को हम दर्पण सूत्र कहते हैं। इस प्रकार से किस कैसे हम इसको ड्राइव करेंगे वो देखिए। यहाँ पे हमने यहाँ पे सबसे पहले मान लीजिए एक क्या ले लिया है, एक मिरर ले लिया है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने कॉनकेव मिरर ही ले लिया है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया है, ये आपका फोकस हो गया है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया है। मान लीजिए आपने जो इमेज है वो यहाँ ना सॉरी ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे ले लिया है ए बी, ठीक है ना। तो यहां से रूल वही लगाने हैं। मान लीजिए आपका यहां से पैरल होकर जाएगी तो कहां से होकर जाएगी, फोकस पॉइंट से। दूसरा मान लीजिए आप यहाँ पे पोल पे इंसिडेंट करवा देते हो तो इतने ही है, आपको पता है पोल पे इंसिडेंट होकर कौन सा रूल लगता है, जितने एंगल से इंसिडेंट हो गया उतने एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आपको पता था इमेज कहां बनती है, जहां पर रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर इंटरसेक्ट होते हैं वहां पर क्या बनती है, इमेज बनती है ए डैश और ए बी डैश, ये इमेज बन गई है, ठीक है। यहाँ पे हम इस पॉइंट का नाम दे देते हैं एम और यहां से परपेंडिकुलर मान लीजिए डाल देते हैं, ठीक है। अब इसको ड्राइव करने का तरीका एक यह है कि यहाँ पे आपको दो सिमिलर ट्राइंगल लेनी है। सिमिलर ट्राइंगल का मतलब जिनका टैन क्या हो, इक्वल हो। तो यहाँ पे दो सिमिलर ट्राइंगल, मैं यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल कैसे पता चलेगा कि एक ही लाइन पे हो, एक कॉमन पॉइंट हो। तो यहाँ पे बाय टू सिमिलर ट्राइंगल, कौन सी, ए पी बी एंड ट्राइंगल ए डैश पी बी डैश। आप देखो पी कॉमन हर एक लाइन के ऊपर है दोनों। मैंने कहा दोनों का टैन क्या होता है, इक्वल होता है। तो उसी फॉर्मूले से हम यहां पे क्या कर लेंगे, याद रखना पहले का परपेंडिकुलर अपॉन में दूसरी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर इज इक्वल टू पहले का बेस अपॉन में दूसरी का बेस। इसका मतलब दोनों का टैन क्या है, इक्वल है। पहले ट्रायंगल ये है, दूसरी ये है। पहले का परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, ए बी। दूसरी का परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, दूसरी ट्रायंगल आपने कौन सी ली है यहाँ पे, ए पी बी डैश। तो इसका परपेंडिकुलर ए डैश और ए बी डैश इज इक्वल टू पहली का बेस। पहली का बेस क्या है यहाँ पे, पी बी, कौन सा है यहाँ पे, पी बी। दूसरी का पी बी डैश। इक्वेशन नंबर क्या है, फर्स्ट। इसी प्रकार से आप और दो सिमिलर ट्राइंगल लेंगे, दोबारा बाय टू सिमिलर ट्राइंगल। अब की बार देखिए हम यहां पे ये ले लेते हैं ए डैश एफ बी डैश और दूसरी कौन सी ले लेते हैं, पी एम एफ। ए डैश एफ बी डैश मतलब ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल, दो क्योंकि दोनों का पॉइंट एफ कॉमन हो जाएगा, एक ही लाइन पे हो जाएगी। तो ट्राइंगल कौन सी ली मैंने यहाँ पे, ए डैश एफ और बी डैश। एंड ट्राइंगल कौन सी ली यहाँ पे, पी एम एम एफ पी, ये दो ट्राइंगल ले लिया मैंने। रूल वही, पहले का परपेंडिकुलर अपॉन में दूसरे का, पहले का पहले से पहले ट्रायंगल अपन ये ले लेते हैं क्योंकि इसमें आपको आसानी रहेगी, चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो ट्रायंगल का नाम यहाँ पे ये वाला याद रख देते हैं, तो एम एफ पी और ये यहाँ पे दूसरी ये ले लेते हैं ए डैश एफ है और बी डैश। तो पहले का परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, पी एम अपॉन में दूसरे का परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पहले का बेस क्या है यहाँ पे, पी एफ पी एफ अपोन में दूसरे का क्या है, एफ बी डैश, ठीक है। आपको बता देता हूं एक बार, बताइए यहां पे हेयर अपन ये ले सकते हैं क्या, पी एम इज इक्वल टू ए बी। देखिए पी एम है उतना ही तो ए बी है ना, क्योंकि पैरेलल लाइन जा रही है, तो जितना ए बी उतना ही पी एम है, तो हम पी एम को क्या लिख सकते हैं, ए बी। तो यहां पे ए बी लिख दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ए बी अपोन में ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ बी डैश। इक्वेशन नंबर क्या आ गया, टू आ गया। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, बाय इक्वेशन फर्स्ट
एंड सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल। तो इसकी राइट हैंड साइड क्या थी, पी बी अपॉन में पी बी डैश इज इक्वल टू, इसकी क्या है पी एफ अपॉन में एफ बी डैश, ये आ गई है। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर, तो यहां पे अपन थर्ड दे दीजिए, ऐसे डायरेक्ट कर देते हैं। अब इतना करने के बाद वो तो चारों वैल्यू, इनकी वैल्यू अपने को लिखनी है। तो सबसे पहले अपन यहां पे लिखते हैं हेयर, हेयर पी बी की वैल्यू बताइए, पी बी, पी से बी, बी क्या था यहाँ पे ऑब्जेक्ट, पी से बी ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रिलेशन को कैसे लिखते हैं, यू से, कौन सी साइड में है लेफ्ट में, तो क्या आ जाएगा माइनस यू। इसी प्रकार से पी बी डैश, पी से बी डैश, पी से बी डैश क्या बनी यहाँ पे, ए डैश बी डैश क्या थी इमेज, इमेज के रिलेशन को किससे बताया था वी से, तो क्या आ जाएगा लेफ्ट साइड में, तो क्या आ जाएगा माइनस वी। इसी प्रकार से पी एफ, पी से एफ, पी से एफ क्या होता है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को किससे लिखते हैं एफ से, लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस का। उसी प्रकार से एफ बी डैश, एफ बी डैश ये तो हमारे पास कोई वैल्यू है ही नहीं एफ बी डैश वाली, तो एफ बी डैश तो नहीं है, परंतु देखिए ये अगर इस वाली वैल्यू में से ये वैल्यू या ये वाली वैल्यू माइनस कर दें तो ये तो बचेगी ना, इसका मतलब पी बी डैश में से पी एफ माइनस कर दें तो एफ बी डैश तो बचेगी। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि एफ बी डैश का मतलब क्या है कि पी बी डैश माइनस पी एफ, पी एफ, तो एफ बी डैश लिख दीजिए, पी बी डैश अभी भी लिखाएगा माइनस बी माइनस पी एफ की वैल्यू क्या है माइनस, अब माइनस माइनस क्या हो गई है F. हो गया ठीक है। अब इन वैल्यू को पुट कर दीजिए, इसे हम सीधा लिख देते हैं, इसलिए पी बी की वैल्यू क्या है माइनस यू अपॉन में माइनस बी इज इक्वल टू, इसकी क्या है माइनस एफ अपॉन में इसकी क्या है माइनस बी प्लस में एफ आ गई है, माइनस माइनस यहां पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मैं सीधा कह देता हूं माइनस माइनस है तो याद रखना पुट करते समय यहां पे आप प्लस कर दोगे दोनों को, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए यहां पे क्या आ जाएगा, पहले कौन ये कर लीजिए क्या आया यू को आपसे करोगे तो माइनस है ही, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास माइनस वी एफ। ठीक है ना, अब इसको इक्वल टू यू को वी से करोगे तो माइनस यू वी, ठीक है फिर प्लस प्लस तो प्लस ही रहेगा प्लस में यू एफ, ये आ गया आपके पास। ठीक है ना, अब अपन क्या करेंगे यहां पे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई यू वी एफ, ठीक है ना, डिवाइड बाई यू वी एफ से, यू वी एफ से डिवाइड कर दीजिए तो क्या जाएगा आपके पास माइनस वी एफ को किससे यू वी एफ से, और इक्वल टू यू वी को यू वी एफ से प्लस में यू एफ को यू वी एफ से, डिवाइड कर दिया तो यहां से वी एफ कट जाएगा तो क्या बचेगा माइनस वन अपॉन में यू बचेगा इक्वल टू, यहां से यू वी कट गया तो क्या बचा माइनस वन अपॉन में एफ बचा प्लस में यू एफ कट गया तो क्या बचा वन अपॉन में वी बचा, तो इसको इधर ले लीजिए इसको इधर ले लीजिए तो क्या बचेगा वन बाई एफ इक्वल टू वन बाई वी, इधर बचेगा वन बाई यू या फिर वन बाई वी प्लस में वन अपॉन में यू इक्वल टू वन बाई एफ, यही क्या है मिरर फॉर्मूला है। ठीक है ना, आप कह सकते हो वी क्या है यू क्या है और एफ क्या है, वी क्या है डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमने यहां पे क्या कर दिया ये रिलेशन ड्राइव कर दिया है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।